नीता अंबानी के बेटे आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। नीता अंबानी की शादी पर पहनने वाली ज्वेलरी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं आज आपके साथ रीज़नेबल प्राइस और बजट फ्रेंडली ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है और लाहौर की आपको लिबर्टी मार्केट से भी मिल जाएगी और अनारकली बाज़ार में भी मिल जाएगी। अनारकली बाज़ार में आपको ज्वेलरी की बहुत खूबसूरत और यूनिक कलेक्शन और ट्रेंडी डिज़ाइन मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आज आपके साथ शॉपिंग हाउल शेयर करने वाली हूँ और मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ लोकल मार्केट, वहाँ से हम वेडिंग्स और शादियों पर पहनने वाली ज्वेलरी देखने वाले हैं। गोल्ड की ज्वेलरी हो, डायमंड की ज्वेलरी हो, उनके प्राइसेस तो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं कि हर किसी के लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो मैं आज आपके साथ जो है ट्रेडिशनल और यूनिक ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बजट फ्रेंडली है। आप अपने वेडिंग्स के आउटफिट के साथ उसको ईजीली कैरी कर सकते हैं और जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको यूनिक और ट्रेंडी डिज़ाइन मिल जाते हैं। वैसे तो ज्वेलरी की कलेक्शन आपको लिबर्टी मार्केट से या ब्रांड्स की शॉप से या ओरिगा से या इसके अलावा अनारकली बाज़ार हो, इचरा हो, वहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ अनारकली बाज़ार। अनारकली बाज़ार जो है वो अपनी ज्वेलरी कलेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर ज्वेलरी के यूनिक यूनिक और ट्रेंडी डिज़ाइंस होते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूं शॉप पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि तुर्किश ज्वेलरी के इतने खूबसूरत डिज़ाइंस थे और बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी डिज़ाइंस थे। इन ज्वेलरी को जो है नॉर्मल रूटीन में भी आप हल्की फुल्की समर के ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं। तुर्किश ज्वेलरी जो है वो आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और पहनी हुई यूनिक, ट्रेंडी और स्टाइलिश लगती है। इसके अलावा आपको देसी ज्वेलरी भी मिल जाती है, इंडियन ज्वेलरी के डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं, वो भी खूबसूरत लगते हैं। कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं मेहंदी पर या बारात पर, जैसे कि नीता अंबानी ने डिफरेंट ज्वेलरी पहनी है अपने बेटे आनंद अंबानी की शादी पर। तो आज मैं आपको तमाम रेंज दिखाने वाली हूँ। ये डायमंडी स्टाइल में ज्वेलरी का सेट है जो कि नीता अंबानी ने पहना और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके प्राइस जो थे वो 40,000 थे। अगर इसको डायमंड में बनाया जाए तो वो तो लैक्स में चला जाएगा और मिलियंस में चला जाएगा, बट आपको ये लोकल मार्केट से 40,000 to 50,000 में इजीली मिल जाता है, जो कि वेडिंग गाउन्स के साथ जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसा कि शादियां होती हैं तो उन पर इस तरह के हैवी ज्वेलरी जो है वो अच्छी लगती है। इसके अलावा मैं आज आपके साथ कुछ पार्टी वेयर भी ज्वेलरी शेयर करूंगी। ये ज्वेलरी जो है आप वेडिंग गाउन्स के साथ भी पहन सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर पार्टी वेयर कोई फंक्शन है तो उस पर भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इस तरह की यूनिक और स्टाइलिश ज्वेलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा कुछ हल्की फुल्की सी ज्वेलरी भी है जो कि टीन एज गर्ल्स के लिए और गर्ल्स के लिए, अगर लाइट से अगर आप इन्हेंस करना चाहते हैं ज्वेलरी के साथ तो इस तरह की ज्वेलरी भी अच्छी लगती है। ये बिल्कुल वैसे ज्वेलरी का सेट है जैसे इस किस्म की ज्वेलरी जो है वो डबल लेयर में कायरा एडवानी ने और नितिन चोपड़ा ने अपनी शादी पर पहना था, जो कि इंडियन फेमस एक्ट्रेस हैं। ये ज्वेलरी का सेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मरियम परवेज के जैसा लग रहा था, जैसा कि उसने एक वीडियो में पहना था, और ये बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक डिज़ाइन था। और इसके ऊपर जो है वो नीलम
और डायमंडी स्टाइल में स्टोन्स लगे हुए थे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इस तरह के जो नेक लाइन है वो ट्रेंडी अगर आप प्लेन ड्रेस के साथ भी पहन लें तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा लाइट कलर्स में अगर चले जाएं ड्रेसेस के साथ, अगर इस तरह की ज्वेलरी पहनी जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ज्वेलरी के नित नए डिज़ाइंस आते रहते हैं, न्यू कलेक्शन आती रहती है। और ये ज्वेलरी का सेट जो है वो जैसे टाइटैनिक ने में रोज ने पहना था वैसे लग रहा था, और ये ज्वेलरी का सेट बिल्कुल परिणीति चोपड़ा की तरह लग रहा था जो कि उसने वेडिंग में पहना था। और सेम ऐसे ही ज्वेलरी जो है वो सिस्ट्रोलॉजी में इकरा कंवल ने भी पहनी थी। ज्वेलरी इस टाइप की लेनी चाहिए जो आपके ड्रेस को, उसके कलर्स को इन्हेंस करे। ज्वेलरी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं पहननी चाहिए कि आपके ड्रेस का कलर और ज्वेलरी के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाए। आप जो है कम्बिनेशन में भी जा सकते हैं ज्वेलरी के डिफरेंट कम्बिनेशंस और कलर्स टोन के साथ, अपने जो है आउटफिट के साथ आप मैचिंग कर सकते हैं। इस तरह की ज्वेलरी जो है वो साड़ियों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। साड़ी के साथ भी आप इस तरह की खूबसूरत सी, यूनिक सी, ट्रेंडी सी ज्वेलरी पहन सकते हैं। और ये ज्वेलरी के जो डिज़ाइन आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं टिकटॉक पर भी और इंस्टाग्राम की रील्स पर भी, जो कि सारे डिज़ाइन ही यूनिक हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी और फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगी अगर किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाना हो। वरना इस तरह की जो ज्वेलरी की कलेक्शन है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको दराज से भी मिल जाती है। दराज पर भी बहुत यूनिक डिज़ाइंस होते हैं। इसके अलावा इनके पास गोल्ड स्टाइल में चूड़ियाँ भी थीं जो कि 1 कैरेट और 2 कैरेट्स में थीं, और बिल्कुल जो है सिल्वर डायमंडी स्टाइल में भी ज्वेलरी थी और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी थी। सारे डिज़ाइन ही यूनिक थे और न्यू आइडियाज़ थे, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी पसंद आ रही थी। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ उस ज्वेलरी के प्राइस शेयर करूँगी कि इसके प्राइस क्या हैं। अगर कोई परचेस करना चाहे तो मैं नंबर भी शेयर कर दूँगी। इसके अलावा मैंने कुछ 1500 के प्राइस में ब्रांड्स के पर्स देखे। ये ब्रांड्स के ओरिजिनल ब्रांड के पर्स हैं जो कि आपको लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। अगर कोई लेना चाहे तो ये इनका नंबर है, ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ डायमंडी स्टाइल में वॉचेस भी देखी, बहुत ही खूबसूरत गोल्ड कलर में थी। ग्लासेस भी काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी, बहुत खूबसूरत से स्टाइलिश से ग्लासेस थी। इसके अलावा चेन स्टाइल में भी, गोल्डन चेन स्टाइल में भी ज्वेलरी के यूनिक डिज़ाइंस थे। अगर कैजुअल ड्रेसेस हों या फॉर्मल ड्रेसेस हों, किसी वेडिंग्स पे जा रहे हों या पार्टीज़ पर जा रहे हों, अगर आपने एक खूबसूरत सी लग्जरी वॉच अगर यूज़ कर ली है तो आपका एक लुक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आजकल मार्केट में बहुत ही खूबसूरत लग्जरी वॉचेस आ चुकी हैं। ये तमाम वॉचेस जो हैं ये मिनिमम प्राइस 1500 है और मैक्सिमम प्राइस जो है वो 3000 की रेंज तक ये जो वॉचेस के स्टाइल हैं लेडीज़ आपको मिल जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत से और ट्रेंडी से डिज़ाइंस थे। इसके अलावा मेल्स की भी लग्जरी वॉचेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूनिक। और बच्चों के कार्टून्स करेक्टर्स में, स्पाइडरमैन में, बारबी डॉल में भी काफ़ी ज़्यादा वॉचेस थी। और इनके वॉचेस के स्ट्राइप भी आप चेंज करा सकते हैं अगर आपने अपनी पसंद का कोई कलर दिलवाना हो। तो लोकल मार्केट्स में आपको एक चीज़ जो ब्रांड पर काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, लोकल मार्केट से आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बजट फ्रेंडली प्राइस में मिल जाती है। ये ब्रांड्स ने तो इस कदर लूट मार मचाई हुई है कि एक नॉर्मल शख्स के लिए इस चीज़ को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इस तरह की वॉचेस जो हैं वो आप मॉर्निंग में जाते हैं वॉक पर, या आप जो है स्कूल जाते हैं
तो किड्स जो है वो डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की वॉचेस जो हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, आप जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों की भी काफ़ी ट्रेंडी से और कलरफुल से ग्लासेस थे। अब मैं आपके साथ बच्चों की ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ। ये ज्वेलरी जो है आपको 230-450 की रेंज में मिल रही थी। इसके प्राइस जो हैं वो 230 रुपीज़ थे। ये ऊपर जो आपको पर्ल्स में नज़र आ रहे हैं ये भी 450 की रेंज में थे। इसके अलावा डिफरेंस जो हैं वो बैंगल्स थे पर्ल स्टाइल में। इस तरह के बैंगल्स जो हैं आप समर के ड्रेसेस के साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी ट्रेंडी से जो है वो आपको डिज़ाइंस मिल जाते हैं। और बच्चों को इस तरह की रिंग्स, इस तरह की जो हेयर बैंड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इनकी भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ प्राइस भी शेयर कर दूंगी और अगर आपने लेने हो तो नंबर भी शेयर कर दूंगी। अच्छा, इस तरह के जो चेन स्टाइल में हैं क्रिश्चियन स्टाइल्स में तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, इनके ऊपर डायमंडीज। अच्छा, इस तरह की जो ज्वेलरी होती है आप फ्रॉक के साथ वेयर कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं, किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, आपने कोई फ्रॉक वेयर किया, बस एक ज्वेलरी इस तरह की वेयर कर लें, आपका लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। इसके अलावा कुछ जो है वो हैवी नेकलेस भी थे, ये भी प्लेन ड्रेसेस के साथ आप वेयर करें तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं। इस तरह के यूनिक आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि मैं अपने व्यूअर्स को जो है वो न्यू आइडियाज़ प्रोवाइड करूँ कि बच्चों की ज्वेलरीज के और गर्ल्स की ज्वेलरी के कौन कौन से मार्केट में डिज़ाइंस आए हुए हैं। तो आज की वीडियो जो है मेरी तमाम गर्ल्स के लिए है जिनको समझ नहीं आती कि नॉर्मल रूटीन में या पार्टीज़ में ड्रेसेस के साथ किस तरह की ज्वेलरी यूज़ की जाए। इस तरह के बो स्टाइल में हेयर बैंड्स बहुत ज़्यादा इन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के भी इस तरह के हेयर बैंड्स थे और बो स्टाइल में ये हेयर बैंड्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल हैं। इसके अलावा आपको इस तरह की जो बो है वो 300 रुपीज़ में मिल जाती है। अगर कोई चाहे तो वो हैंडमेड तरीके से घर में भी बना सकते हैं। फ्रॉक के साथ यूज़ करने के लिए डिफरेंट किस्म के हेयर बैंड्स भी थे। अच्छा, बच्चे जो थे ना वो मॉल्स में आकर ना बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं और इवन के उनको कोई परवाह नहीं होती कि हमारी मदर्स क्या ले रही हैं, बस उनको जो है शॉपिंग से कोई कंसर्न नहीं होता, बस उनको जो है इंजॉयमेंट से होता है। तो मैंने भी काफ़ी सारी यहाँ से जो है वो एक्सेसरीज़ ली, हेयर एक्सेसरीज़ भी ली, इसके अलावा डिफरेंट हैंड की और नेकलाइन की भी एक्सेसरीज़ ली। तो इस तरह की जो डिज़ाइंस हैं आपको हर जगह से नहीं मिलते, लेकिन जब मैं यहाँ पर आती हूँ ना शॉपिंग करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक ही दफ़ा ले लेती हूँ ताकि अगर कोई भी ड्रेस है तो उसके साथ हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से मैच करके बच्चों को पहना दिया जाए। तो अगर आपको भी कोई आइडियाज़ अच्छे लगे हों और आप चाहते हों कि मैं उनके साथ आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँ अगर किसी कलेक्शन के हवाले से या ज्वेलरी के हवाले से, तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, बैंगल्स इतनी खूबसूरत थी, इस तरह की बैंगल्स जो हैं ये सारी जो मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ ये चेज़प लाहौर की हैं। इस तरह की बैग्स और ज्वेलरी जो है वो आपको चेज़प लाहौर से ईज़ीली मिल सकती है, बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।